इंडिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। जळगावचे नवी ओळख वस्त्रनगरी घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड राधाकृष्ण नगर चौक छत्रपती शिवाजी नगर जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन जळगाव। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खान पान खरीदारी के लिए अक्सर कई सारे एग्जीबिशंस लगा करते हैं और जलगांव में जब कोई एग्जीबिशन लगता है तो भीड़ तो बहुत सारी रहती है। आज हम मौजूद हैं लाड वंजारी हॉल में जहां पर कल्प नीति नाम का एक एग्जीबिशन लगा हुआ है और हर साल साल भर में 2 एग्जीबिशंस तो कल्प नीति की ओर से लगाए जाते हैं जिसमें खान पान की सुविधाएँ तो रहती ही है, साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े ज्वेलरीज इन सब की भी यहाँ पर स्टॉल्स लगाया जाता है। तो हम लोग अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगाए गए हैं। ये एंट्रेंस है जहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी एंट्रीज कर रहे हैं। इस तरफ राइट साइड में खान पान के स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये जो स्टॉल्स हैं यहाँ पर आज फिलहाल थोड़ी भीड़ भाड़ कम है, पहला दिन है चूँकि, कल इसका दूसरा और आखिरी दिन होगा और इस दौरान बताया जाता है कि काफ़ी भीड़ भाड़ हुआ करती है। और भीड़भाड़ जो हुआ करती है वो जब लोग सामान लेने के लिए आते हैं यहाँ से एग्जीबिशन में कुछ, तो खान पान में भी रुचि रखने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। जो लोग खान पान में रुचि रखने वाले यहाँ आते हैं वो आकर ख़रीदारी कर लेते हैं, जो लोग ख़रीदारी करने के लिए आते हैं वो यहाँ पर खान पान कर लेते हैं और इस वजह से काफ़ी सारे स्टॉल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हुआ करते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाएगा तो कपड़ों के जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं, ज्वेलरीज जो हैं उनके स्टॉल्स लगाए गए हैं और जलगांव में नहीं बल्कि और भी बाहर के जगहों से यहाँ पर लोग आते हैं अपने स्टॉल्स लगाने के लिए, कपड़े ज्वेलरीज और काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको जनरली शहर में शॉप्स पर नहीं मिलेगी वो यहाँ पर मिल सकती है। और ऐसे समय में आप यहाँ पर आएँ अगर तो आपको जरूर कुछ न कुछ खरीदारी का समाधान तो प्राप्त होगा ही। ये इस तरफ से शुरुआत होती है, ये ज्वेलरीज वगैरह के स्टॉल्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो है ये ज्वेलरीज का स्टॉल्स है और मैंने जैसा बताया आपको कि जो स्टॉल्स हैं वो जलगांव नहीं बल्कि जलगांव के बाहर से भी स्टॉल्स रहा करती है। पल्लवी आकोला, आकोला से इसका मतलब आया है। ऐसे ही बहुत से जगह से शोलापुर मुंबई इन जगहों से लोग आया करते हैं। यहाँ जो एग्जीबिशन लगा है इसमें जब मैं अंदर आया हूँ तो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि रुशील मल्टीपर्पज फाउंडेशन जो है जो दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया करता है उनके जरिए भी यहाँ पर एक स्टॉल लगाया हुआ है और इस स्टॉल में दिव्यांग बच्चे जो हैं उन लोगों ने बनाई हुई काफ़ी सारी सामग्रियाँ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो जरूर आइए इस स्टॉल पर और इस स्टॉल पर आकर देखिए कि आखिर यहाँ पर क्या वैरायटी है और किस तरह की किस क्वालिटी का सामान यहाँ पर मौजूद है। हम लोग आप लोगों को ये बताते चले कि यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर मतलब ग्राउंड पे नहीं फर्स्ट फ्लोर पे भी स्टॉल्स लगे हुए हैं और स्टॉल्स के बारे में यहाँ जो चीज़ें हैं उसकी जानकारी के लिए हम चलेंगे जो आयोजक हैं यहाँ पर उनके पास और फिर आपको बताते हैं कि क्या है। कल्पना शाह और नीता जैन इनको मिलाकर बनता है कल्प नीति और हमारे साथ आयोजक हैं। मैडम किस तरीके का आयोजन है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं? यहाँ पे पूरी वेडिंग को कलेक्शन के लिए लगने वाली सब चीज़ें यहाँ मिलती है, जैसे होममेड प्रोडक्ट से लेके रेडीमेड ड्रेसेस साड़ीज कुर्तीज सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। एक ही छत के नीचे ऑल ओवर इंडिया से 80 स्टॉल आए हुए हैं और अलग अलग वैरायटी एक ही छत के नीचे आपको एक ही दिन में देखने मिलेगी यहाँ पे। मैडम कब तक है ये? आज और कल। और मैं विनती करती हूँ जलगांवकर्स को कि वो जरूर जरूर पधारे और हमारे कल्पनीति में को विजिट करें एक बार। यहाँ पे कोई एंट्री चार्जेस वगैरह? हाँ चार्जेस तो है, नहीं आने के लिए लोग अगर यहाँ नहीं नहीं कुछ भी चार्जेस नहीं, आप आइए शॉपिंग करिए मजा करिए खाइए पिए, अच्छे स्टॉल्स है खाने के भी, पाव भाजी है पिज्जा है कचौरी है दाबेली है, तो प्लीज आइए और मौज मन अपने फैमिली के साथ आइए आप सब लोग।
ये थे आयोजक हमारे साथ और ये बता रहे थे कि यहाँ पर खान पान के साथ खरीदारी की पूरी व्यवस्थाएं हैं, तो एक बार जरूर आइए और आकर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या है। ऐका हो ऐका, जळगाव मध्ये सुरू झालंय हॉटेल जायका। बच्चे कंपनी, तरुणाई, मित्र मंडळी, पुरुष आणि बायका सर्वांच्याच पसंतीचं हॉटेल जायका। स्पेशल चिकन, मटन, फिश, वेज, नॉन वेज, स्वादिष्ट भोजनाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी सर्वांच्या पसंतीचं ऐका हॉटेल जायका। फॅमिली रेस्टॉरंट आणि शाकाहारींसाठी वेगळ्या किचनची सोय। हॉटेल जायका, कानोलदा रोड, शिवाजीनगर, जळगाव। हॉटेल जायका, अब मूड को दीजिए थोडा तडका।